आगामी त्योहारों को लेकर सहारनपुर पुलिस ने मुख्य बाजारों में किया पैदल मार्च। पुलिस डीआईजी रहे सुधीर कुमार सिंह, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा, एसपी सिटी राजेश कुमार सहित भारी पुलिस बल रहा मौजूद। सहारनपुर के बेहट क्षेत्र में अवैध खनन का कारोबार लगातार जारी है। गंगरोब नदी के पास हो रहा अवैध खनन, रात के समय में अवैध खनन कार्रवाई न होने को लेकर प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं सवाल। उत्तराखंड के चमोली में पोखरी मेले को लेकर सभी तैयारियां पूरी। पंचायत पोखरी को और प्रशासन की टीम ने पूर्ण की तैयारी। 14 सितम्बर से 7 दिन तक चलेगी पोखरी मेला। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम सहित मंदिर परिसर में की व्यवस्थाओं को लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों के निरीक्षण में निर्माण एजेंसियों को कार्य में तेजी लाने और समय पर कार्य पूर्ण करने के दिए निर्देश। रायपुर के सदर बाजार स्थित SBI ATM में लगी भीषण आग, कारण अज्ञात। मौके पर पहुंची दमकल ने पाया आग पर काबू। कोतवाली इलाके का है मामला। लखनऊ के बास मंडी में स्थित होटल में मिला महिला युवती कश्यप, हत्या की जताई जा रही आशंका। होटल में रुका युवती का प्रेमी हिरासत में, मामले में एक आरोपी फरार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के अकोला में जिले में 3 दिन तक चला गणेश विसर्जन। गणेश बप्पा को धूमधाम से दी गई विदाई। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों पर लगातार 72 घंटे ड्यूटी पर रहे तैनात। दबंगों ने महिला और परिजनों के साथ की मारपीट, गाली गलौज कर दबंगों ने तोड़ा वाहन। महिला के मितौली थाना में शिकायत करने के बाद भी सुनवाई न होने पर SP खरीदी को प्रार्थना पत्र देकर की कार्रवाई की मांग। UP के लखीमपुर खीरी के थाना क्षेत्र मितौली के ग्राम अवधपुरा का है मामला। मध्य प्रदेश के सतना जिले के बरसिंहपुर तहसील क्षेत्र के ग्रामीणों ने बिजली विभाग का किया घेराव। विभाग की मनमानी सहित बिजली से संबंधित अन्य मांगों के साथ पहुंचे बिजली विभाग। तहसीलदार और JE को सौंपा ज्ञापन। 1 सप्ताह में मांग पूरी न किए जाने पर चक्का जाम की दी चेतावनी। एंटीबायोटिक्स उपयोग को लेकर बोले छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव, देश सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक्स का कर रहा है उपयोग। जनता से की अपील का, डॉक्टर्स की सलाह से ही एंटीबायोटिक्स का करें उपयोग। ये देश विश्व में सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल करने वाला देश बन गया है। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से एंटीबायोटिक्स का क्रय विक्रय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये डॉक्टर के कहने पे ही एंटीबायोटिक्स की बिक्री होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के रीवा में ग्रामीणों ने नईगढ़ी तहसील का किया घेराव। बिजली पानी समेत अन्य मांगों को लेकर नईगढ़ी तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। सभी समस्याओं को जल्द निपटाने की लक्ष्य मांग। गुना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ट्रक मालिक के अपहरण मामले में फरार चौथिया आरोपी भिंड से गिरफ्तार। 2020 में धरनाबाद थाना क्षेत्र में आरोपियों ने अपहरण कर 18 लाख रुपए की मांगी थी फिरौती। हमीरपुर में 20 चौराहे पर ट्रक ड्राइवर से मारपीट का वीडियो वायरल। ट्रक में सवारी के बैठने पर की मारपीटी। सदर कोतवाली इलाके के लक्ष्मी वेच रहे का है मामला। मध्य प्रदेश के रतलाम के शिवगढ़ थाना क्षेत्र के बायड़ी गाँव में पशु को चारा चराने के बाद दो पक्षों में खूनी संघर्ष। 12 से अधिक लोग घायल। गंभीर हालत में सभी घायल जिला अस्पताल में भर्ती। तनावपूर्ण स्थिति देख गाँव और अस्पताल में पुलिस अधिकारियों के साथ फोर्स तैनात। उत्तराखंड के हल्द्वानी में शनि बाजार को ठेके पर देने के विरोध में व्यापारियों का बुद्ध पार्क में धरना प्रदर्शन। इस सप्ताह भी बाजार का बहिष्कार करने का किया निर्णय। व्यापारियों ने कहा कि निगम प्रशासन ने बाजार को ठेके में देने का फैसला नहीं बदला तो शुरू करेंगे भूख हड़ताल। महाराष्ट्र के अकोला में दो वाहन की टक्कर में एक वाहन का टायर फटने से हादसा। वाहन में फंसे दोनों वाहन चालकों को सुरक्षित निकाला बाहर। घायल होने के कारण किया अस्पताल में रेफर। मौके पर पहुंची पुलिस ने बाधित ट्रैफिक को करवाया सुचारू। छत्तीसगढ़ के रायपुर के पुरानी बस्ती बदवापारा में गणेश समिति के सदस्यों में झांकी की गाड़ी सजाने पर हुआ विवाद। शिकायत के बाद पुलिस ने एक नाबालिग समेत 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ियों में आपत की बारिश। कामरी देवी खोल नदी में बड़े पानी के तेज बहाव से दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं के वाहन बहे। वाहन सवार एक महिला की बहने से मौत। 3 लोगों का किया गया रेस्क्यू।